सरकार हमारे गुरुदेव को जेल में इतने सालों से रखे हुए, जबकि वो जो है बिल्कुल निर्दोष हैं। निर्दोष होने के बावजूद भी सरकार इस बीच में कुछ सोच नहीं रही है। हमारा सरकार से आग्रह है कि जल्द से जल्द हमारे बापूजी को रिहा करें और लोगों का कल्याण हो सके। हरिओम। मेरा नाम श्री कृष्ण तिवारी, मैं नानकारी IIT कानपुर से हूँ और मैं बापूजी से 2002 से जुड़ा हुआ हूँ। मेरा व्यवसाय इलेक्ट्रिकल का है। मेरी दुकान थी, 2010 में पारिवारिक कलह के कारण हमारी दुकान में अवरोध उत्पन्न हुआ। पिताजी और माताजी बापूजी जी से दीक्षित थे, उन्होंने कहा गुरुजी आ रहे हैं कानपुर में, शायद उन्हीं से कुछ कल्याण हो। मैं जहाँ जाता था वहाँ ये लोग बोलते थे कि अब तिवारी जी पागल हो गए हैं, अब जो है कुछ कर नहीं पाएंगे, लेकिन हमें अपने अंदर से विश्वास था और गुरुदेव की कृपा रही इतनी कि जब बापू जी कानपुर आए तब मैं पूर्ण रूप से अचेत अवस्था में था और मैं आश्रम गया और सुबह 2 बजे से 5 बजे तक वहाँ पर इंतज़ार करता रहा, लेकिन गुरुजी नहीं आए। हम फिर घर वापस आ गए। जब आए कानपुर तो हमने कहा हम कानपुर तो अब नहीं पहुँच पाएंगे आश्रम में, तब पूरा यहाँ से कच्चा रास्ता था आश्रम का, तो हमारे जो है साढ़ू भाई घर में थे, उन्होंने कहा हम स्कूटर से ले चलेंगे आप चलिए। तो हम पेट्रोल पम्प तक गए तो वहाँ से हमने कहा कि लाओ हम स्कूटर चला के देखते हैं कि नहीं चला पाएंगे या नहीं चला पाएंगे। तो जब हमने लिया हाथ में हैंडल स्कूटर का तो मैं चला के आश्रम तक गया। गुरु जी के दर्शन हुए करीब जो है 600 मीटर दूरी से जो है गेट पर आकर के, और वहाँ से दर्शन करके हम रात को आए हैं और सुबह ये हुआ कि गुरु दीक्षा का कार्यक्रम है, तो घर वालों ने कहा कि गुरु जी दीक्षा दिला देते हैं, तो हमने जो है दीक्षा के लिए जो है मना किया कि हम दीक्षा नहीं ले पाएंगे, क्योंकि हम जितनी गुरु चालीसाएँ अपनी पढ़ते थे, हनुमान चालीसा, गायत्री चालीसा, दुर्गा चालीसा, दर्शन किए और गुरुदीक्षा दिलाई। गुरुदीक्षा दिलाने के बाद हमें वो लाभ चमत्कार हुआ, अंदर से भावना जागी और वो दुकान हमने पुरानी छोड़कर नई दुकान 1 माह के अंदर इस्टेब्लिश थी। आज हम उस स्थिति में पहुँचे कि वो दुकान पूरे 10 साल बंद रही SDs, और आज हमारे पास 2 दुकानें हैं और आज हमारे घर में इतने सालों बाद ज्योति आई है और हमें गुरु जी का लगा कि साक्षात हमारे घर भगवान पधारे हुए हैं। गुरु ज्योत से ज्योत जगाए, नर रूप में आए नारायण। हरि ओम, 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 हरि ओम। नजरों से इनकी अमृत बरसे, नजरों से इनकी अमृत बरसे, दर्शन को हर दिल है तरसे, दर्शन को हर दिल है तरसे, गुरु सबका मन हर्षाए, नर रूप में आए नारायण। गुरु सबका मन जिसने गुरु से गुरु को ही मांगा, 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 उसका समझो विवेक है जागा, उसका समझो विवेक है जागा, कांटों में भी फूल खिलाए, नर रूप में आए नारायण। कांटों में फूल खिलाए, नर रूप में आए नारायण। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम।
बिन सब है अधूरा, गुरु ज्ञान बिन सब है अधूरा, इनके प्रेम में हित है पूरा, इनके प्रेम में हित है पूरा, गुरु दोषों को जड़ से मिटाए, नर रूप में आए नारायण, गुरु दोषों को जड़ से मिटाए, नर रूप में आए नारायण। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। बिना कहीं नहीं जाए, उनके बिना कहीं नहीं जाए, हम सागर की धार ध्यान लगाए, कौन लगाए पान, कौन लगाए पान, चौरासी बंधन काटे, लख चौरासी बंधन काटे, सबको सुख और खुशियाँ बांटे, सबको सुख और खुशियाँ बांटे, दुर्लभ को सहज बनाए, नर रूप में आए नारायण, दुर्लभ को सहज बनाए,